प्रधानमंत्री ने कहा है सर कि जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा और वो अकेले सब पर भारी हैं, क्या जवाब है? देखिए ये तो उनकी बोलने की शैली है, मगर अंदर से वो दुखी होंगे, क्योंकि दुखी इसलिए होंगे कि आज जो देश के हालात हैं और जो प्रश्न देश कर रहा है उसके जो जवाब देने को तैयार नहीं है। लोग चाह रहे थे कि अडानी जी पे जो प्रश्न उठे हैं कल वो लोकसभा में जवाब देते, एक शब्द नहीं बोला। आज कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही थी कि यहाँ भी कुछ बोलें, यहाँ भी कुछ नहीं बोला। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि खड़गे साहब जो LOP हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया। और वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि कल पहली बार भारत के इतिहास में, पार्लियामेंट के इतिहास में, एक LOP का भाषण वर्चुअली एक्सपेंज कर लिया गया। राहुल जी का एक्सपेंज किया गया है इन लोकसभा, यहाँ राज्यसभा। तो इस प्रकार से अगर हम प्रजातंत्र को चलाना चाहते हैं तो ये प्रजातंत्र मोदी जी को ही, मैं उनको मुबारक है। आई डोंट थिंक ऐसा प्रजातंत्र देश की चाहता है। अडानी और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी, ये एक सिक्के के दो पहलू है। ये लोगों के मन में एक भावना है, एक संशय है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। राहुल गांधी लोकसभा में कुछ सवाल आपसे पूछते हैं या हम सब पूछते हैं, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि फ्लोर ऑफ द हाउस में आकर सभी सवालों का जवाब दे। राहुल गांधी ने जो 10 सवाल पूछे हैं वो बहुत सिंपल से सवाल है, और सिर्फ इस देश के एक ही उद्योगपति को सभी फायदे दिए जाते हैं, एक ही उद्योगपति को, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। इस देश में ज्यादा से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति निर्माण होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टाटा बिरला बजाज अदानी अंबानी, एक अदानी या एक अंबानी नहीं चलेगा, एक टाटा नहीं चलेगा इस देश में, ये मोनोपोली नहीं चलेगी जो भारतीय जनता पार्टी ने। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री जो है सदन को संबोधित कर रहे थे, विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था। तो नारेबाजी तो होंगी, एक जो परंपरा विपक्ष में इतने साल रहकर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हो, अरुण जेटली जी ने जस्टिफाई की हो, कहा हो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, डिसरप्शन इज पार्ट ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तो वो हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? विपक्षी मांग क्या है कि JPC हो, JPC के बारे में बात की जाए। खैर, मैं पार्लियामेंट में नहीं थी, पर मैं मानती हूँ कि जो विपक्ष में रहकर भारतीय जनता पार्टी ने नारेबाजी की, JPC का गठन हुआ, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप UPA पे लगाए थे, तो वही आज हम भी मांग रहे हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर JPC बननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड भी दिया कि 2014 से लेकर के अब तक क्या किया है, पहले जो नहीं होता था वो जो है वो भी उन योजनाओं पर आगे बढ़े हैं, और उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया कि अगर हम इसी तरीके के हालात अपने जो है बनाते रहेंगे, खराब करते रहेंगे, तो हमारे युवाओं का क्या भविष्य होगा। पड़ोसी मुल्क का हाल देखा हमने, पाकिस्तान हमारी देश की तुलना बार बार पाकिस्तान से करना, ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से ही थी और प्रधानमंत्री जी से ही थी कि आप ऐसे नेशन के साथ बार बार इंडिया को जोड़ते हैं, क्या ये लाजमी है? हमारी देश की धरोहर जो 75 साल में जिसका मजाक बनाते हैं प्रधानमंत्री जी, आज देश की साख पूरी दुनिया में 75 साल की मेहनत से हुई है, मोदी जी की मेहरबानी से नहीं हुई है 2014 के बाद से। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कि अगर हम कुछ चर्चा करेंगे तो हम पाकिस्तान जैसे बन जाएंगे, हम भ्रष्टाचार पे JPC मांगेंगे तो हम चाइना जैसे हो जाएंगे, क्या बात है? आप सच्चाई ये है कि स्पोक्समैन एंड सेल्समैन ऑफ द अदानी ग्रुप इज नन अदर देन नरेंद्र मोदी जी। के पास कीचड़ था, मेरे पास था गुलाल, जिसके पास जो था उसने दिया उछाल। प्रधानमंत्री ने इस शेर के माध्यम से विपक्ष को भी जवाब दिया। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, जो लगातार जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे उस दौरान भाषणबाजी का नारेबाजी भी कर रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। संजय जी, प्रधानमंत्री ने एक शेर के माध्यम से आप लोगों को जवाब दिया। देखिए, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, ये नारा हमने लगाया और हमने कहा JPC बनाओ भ्रष्टाचार के मामले में। आपने देश के सारे संसाधन एक आदमी को दे दिया, और जो कमल के फूल के खिलने की बात उन्होंने कही, मैं मोदी जी के लिए दो लाइन कहूंगा कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। तो कमल का फूल जो मुरझा रहा है इस गंदगी के कारण, अडानी के साथ घोटाले के कारण, उसकी JPC से जांच कराइए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने एक ही व्यक्ति को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, सड़क दे दिया, पानी दे दिया, सीपोर्ट दे दिया,
एयरपोर्ट दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, सब कुछ दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा भी दे दिया और 84,000 करोड़ का कर्जा माफ भी कर दिया। यहाँ ये धन्यवाद प्रस्ताव था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं अडानी पे बोले, क्यों नहीं जांच कराने की बात कही उन्होंने? तो इसलिए हमारा एक हमारी डिमांड है जो हम पहले दिन से लेके आवाज उठा रहे हैं, इस पे सरकार को और मोदी जी को जवाब देना चाहिए। यानी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी शेयर के माध्यम से प्रधानमंत्री के शेयर का जवाब देते हुए, लेकिन लगातार उस दौरान हंगामा होता रहा सदन में जब प्रधानमंत्री सदन को संबोधित कर रहे थे। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।